सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू गेमिंग वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। हाँ गाइज, माइनक्राफ्ट में हमारी बड़ी सीरीज है, लेकिन उनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट जिस पे व्यूज नहीं आते, हाई पिक्सल। हाँ गाइज, हम खेलेंगे हाई पिक्सल। और गाइज, जैसा कि आप देख ही सकते हो, हम अपनी दुनिया में आ चुके हैं और फर्स्ट में देखो हमारे पूरे हैं $10। गाइज, मैं मर के सारे पैसे खो दिए थे। हम बैंकक्रप्ट अपार्ट जोक्स। हाँ गाइज, ये मैंने सारे बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे, मैं पर्स में लेके घूम रहा था। और अगर पर्स में और नीचे गिर जाओ तो पैसे आधे हो जाते, इसका मतलब 20 का 10 हो जाता, 10 का 5, 5 का फिर 2.5 के बाद मेरे को मैथ्स नहीं आती, छोड़ो, हो जाता। इसीलिए मैंने सोचा बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। और गाइज, आज अभी तो मेरा एक ही प्लान है, इसको लेवल 2 लेके जाना। और देख लो, ये अभी लेवल 1 है, ये सारे मैं इसको लेवल 2 या 3 ना 4 लेवल तक लेके जा सकता हूँ मैं। तो पहले तो इसको कर दूँ नेक्स्ट टायर में अपग्रेड, और ये लेवल 2 का भी हो गया है। लेकिन अभी मेरे पास पैसा वगैरह इतनी वीट कमाने के लिए है नहीं, लेकिन जो हमको स्टार्टिंग में वो महान बंदे ने 20 दिए थे, मिलियन कह रहा हूँ, मिलियन, ठीक है, जितने की वीट आती है उतने को खरीदने के लिए थोड़े बैंक से निकालने भी पड़ेंगे हमको। विदड्रॉ मनी हाउ मच, हाफ मनी विदड्रॉ 20%। हाँ 20% सही रहेगा, 3 मिलियन हमने विदड्रॉ कर लिया है। तो अभी जाएं इस आंटी के पास जो हमको बेचती है वीड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीड पे नहीं, स्टोन पे खर्चते हैं, स्टोन वाला मिनियन, लेकिन ये तो स्टोन देती नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि पैसा बचाना सीखना चाहिए। लेकिन अभी के लिए इससे ही खरीद लेते हैं गाइस। 30 कॉइंस के 60 मिलते हैं, तो अब अगर हम ये चाहिए मेरे को, तो गाइज अभी मैंने दीदी से 640 वीड खरीद लिया, जो कि सारी यूज होगी हमारे मिनियंस को अपग्रेड करने में। तो पहले तो इसको लेवल 2 अभी लेके जाएं, ट्रैक ये वाला, ये लेवल 2 हो गया। अभी इसको लेवल 3 लेके जाएं, ये लेवल 3 चल गया। और अभी इसको भी लेवल 3 लेके जाएं, ओ फक, अभी वीड ही नहीं बची गाइज, ये बेचारा रह गया ऐसे। तो ये वाली तोड़ के देख लेते हैं, ये भी अच्छी खासी गाइस वीड दे देते हैं। तो अभी गाइस हमको 170 और चाहिए वीड, और मैं बाय नहीं कर सकता, तो एक जल्दी से मैं तोड़ के लेके आता हूँ, मैं टाइम लैप्स कर, टाइम लैप्स नहीं, सीधा कट मारेंगे। सो तो गाइज अभी मैं उधर से तोड़ के ले आऊँ, खरीद तो अभी और सकते नहीं। तो गाइज मैंने ये तोड़ लिया है वीड वगैरह, अभी इससे ये वाले मिनियन को लेवल 3 करते हैं, तो लेवल 4 अगले एपिसोड में कर लेंगे अगर हो पाया तो। सो नेक्स्ट टायर। सो गाइज अभी ये वीड मिनियन अपग्रेड तो हो गए, लेकिन अपग्रेड काफ़ी नहीं है, क्योंकि और भी हम फ्यूचर में लेके आ सकते हैं मिनियन, तो उनके लिए हमको चाहिए होगा बिगर आइलैंड। तो आज के एपिसोड में, अगले एपिसोड तक हम इस आइलैंड को कर लेंगे थोड़ा लार्ज। और आज के एपिसोड में बहुत चीज़ें होनी है, लेकिन पहले तो चलते हैं बाजार में, उधर से मैंने आपको एक चीज़ बतानी है जो हमको करनी है, ठीक है। हाँ सो गाइस, मैं आ चुका हूँ बाजार में। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बाजार वाला अंकल हमको ये अपनी शॉप को एक्सेस नहीं करने दे रहा, वो कह रहा है बेटा तुम्हारा स्काई ब्लॉक का लेवल 7 ही है। कह रहे नो 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 बेटा, भाई मैंने बोला इतनी बेइज्जती तो हम नहीं सहेंगे, तो इसीलिए आज हम करेंगे लेवल 7। और लेवल 7 के लिए हमको, आई थिंक जो मैंने देखा था गेमर फ्लीट के वीडियो में, उसने बोला था कि हमको सारे लेवल 7 करने, तो फार्मिंग का लेवल 7 है, लेकिन माइनिंग का लेवल 7 नहीं है। तो अभी हम चाह रहे हैं माइनिंग करने। सो गाइज अभी ऑक्शन वाले से हम खरीदते हैं एक्स, लेकिन ये वाला थोड़ी 10 बिलियन की बेच रहा है, भाई भाई पागल हो गया। ये शॉर्ट में जाएं, हम करते हैं लोएस्ट बेट, तो सबसे गरीबों वाला कौन सी पिकरी है। एक्स चाहिए हमको, पिक एक्स चाहिए, पिक एक्स, पिक एक्स, ये तो स्वॉर्ड हैं। और ये स्वॉर्ड कितने की बेच रहा है, स्टार्टिंग बिड है इधर की 115 कॉइन। वार्निंग, यू आर बिडिंग 14x दिस अमाउंट NPC सेल वैल्यू। ओके, हमने 115 की इस पे बेड तो लगा दिए, शायद हमको गाइस मिल जाए सबमिट बेड। अभी गो बैक करते हैं, लेकिन ये ऑक्शन है, इधर सीधा बेड करके हम खरीद सकते हैं, मेरे को अभी चाहिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इधर से खरीदते हैं। ये तो लाइब्रेरियन है, ये ब्लैक स्मिथ आई थिंक बेचता होगा पिकेक्स वगैरह। माइन सम मोर कोल इन द माइन। ओके लिंक्स भाई तुम बेचते हो, स्काई ब्लॉक मेन्यू क्वेस्ट ब्लॉक, अच्छा ये नहीं है। हाँ वेपन स्मिथ ये बेचता होगा गाइस, अभी गाइस शॉप खुल गई है। इधर से हम खरीद सकते हैं ये वाला,
या फिर ये वाला, लेकिन ये इसका डैमेज नहीं है और ये मेरे को खरीदने का ज़्यादा मन है। तो ये आ गई गाइस, हमारे पास है ये वाली पिकैक्स। तो अभी इसको स्विच करें और जल्दी से जाके थोड़ा कोल माइन कर ले हम। सो गाइस अभी हम 10 कोल माइन कर लें, ये सही है। लेकिन इधर इतना कोल नहीं है, आई थिंक हमको थोड़ी गहराइयों में जाना पड़ेगा। सो गाइस मैंने 10 कोल कर लिया है। आज मैं माइनिंग का लेवल थोड़ा इंक्रीज करके देखना चाहता हूँ, शायद हो जाए। हाँ एक्सलेंट, रेफॉर्ज आइटम अलाउ यू टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर, ओके टाइम आई विल रिफॉर्ज एनी आइटम फॉर यू, व्हाई नॉट ब्लैक वंस। तो रेफॉर्ज आइटम कॉस्ट है 10, तो इसने उसको अपग्रेड कर दिया क्या? और ओ फक, ये तो पैसों के होते हैं ना। मैंने नॉर्मल पिकैक्स को मज़े में इतना ज़्यादा रिफॉर्ज कर लिया है और ये पता नहीं अभी नेक्स्ट लेवल की हो चुकी होगी। आई थिंक अगर नहीं हुई तो मैं इसको भाई ट्रेड पे लगा दूंगा, कोई गरीब खरीद लेगा, क्योंकि अभी 3 मिलियन है गाइस। डू यू थिंक आई एम पुअर पीपल? ये क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग वर्ल्ड, गोल्ड माइन में आ चुके हैं। टॉक टू द लेजी माइनर। लेजी माइनर वो कौन है इधर? हेलो, ये रहा लेजी माइनर। फाइंड माई पिकैक्स इन द गोल्ड माइन, आई एम नॉट गोइंग बैक डाउन देयर। ओके, तो गाइस उस बेचारे ने अपनी पिकैक्स इधर कहीं खो दी है, तो उसको हमको ढूंढने जाना पड़ेगा। तो इधर हो सकती है, हेलो पिकैक्स। और गाइस इधर आयरन भी देखो कितना अच्छा है। और गाइस हमको 3 ब्लॉक मिल रहे हैं। एक बार ही मैं तुमको दिखाता हूँ, वेट करो, ये रहा, इसको तोड़ूंगा तो ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ब्लॉक्स भी मिल रहा है, फिर आयरन का, स्टोन का ब्लॉक मिल रहा है, फिर आयरन का ब्लॉक मिल रहा है, फिर और भी मिल रहे हैं। इसकी बेचारे की पिकैक्स किधर है? वो रही, हाँ वो ही है गाइस। तो गाइस अभी हमने इस अंकल की पिकैक्स ढूंढ दी और इसके ऊपर लगा है ऑटोमेटिक, वेट करो, ऑटोमेटिकली स्मेल्स ब्रोकन ब्लॉक्स इनटू देयर स्मेल्टेड फॉर्म। ओके, तो ये खुद बा खुद ही समझ लो इंगट बना देगी। और ऊपर हमको टास्क भी मिला है कि इससे एक इंगट बनाओ, मैंने एक गलती से खुद ही बना लिया था। और ये देखो, और एक आयरन का बना लेते हैं और कलेक्ट योर आयरन एंड गोल्ड इंगट्स। ओके और देखो ये गाइस क्या अच्छा है ना। टॉक टू रस्टी द जेनिटर। सो गाइस जेनिटर आई थिंक क्लीन करने वाला होता है, तो ये बेचारा वो इधर का साफ सफाई करने वाला होगा। तो ये कह रहे हैं उससे बात करके आओ, तो लेट्स गो। ये रहा रस्टी द जेनिटर, ये रहा। हाँ तो रस्टी, यू फाउंड द लेजी माइनर पिकैक्स, यू वुड नॉट बी बिलीव हाउ मेनी पीपल लीव इंगट्स एंड स्टोन्स, इट मेक्स माई जॉब अ लॉट ईजियर, बट डिस्पाइट दैट आई स्टिल फाइंड सो मैनी items on the ground, maybe some of these items are yours, in which case I'll let you buy them back. Okay, तो अब ये कह रहे हैं reach mining level 5. Okay, ये हम कर सकते हैं। हमारे पास है उस बंदे की pickaxe और अगर हम उसको reforge करा लें उस बंदे से जाके, पूरा blacksmith guys, शायद उससे हो जाए। blacksmith भैया, I'm friend of blacksmith in the village, my name blacksmith। ओहो, कतई जुड़वा भाई हो गए तुम, है ना। चलो इसको इधर रखें। तो गाइस अभी इसको अपग्रेड करा लें, ये मैंने करा ली अपग्रेड। इसको इधर रखो, इस वाली को इधर रख दो, और जो ये वाली है ये अभी माइन करेगी, उससे भी ज़्यादा अच्छा। और इसके ऊपर हमने लगवा लिया है माइनिंग स्पीड जो कि होगी 164, स्पीड नॉर्मल जो होती है वो है 1+1 और डैमेज है 25, जो कि आई थिंक अच्छा होगा, जो कि इस वाली पिकैक्स जैसी हो गई है। अभी हमको लेवल अपना थोड़ा ज़्यादा करना है, तो जल्दी से माइन में जल्दी करके अपना लेवल कर लूँ। तो गाइस अभी हमने क्या है उनका, जो उन्होंने बोला था लेवल 5 कर लो, वो भी कर लिया है। और एक अभी एक और मिशन आया है, ट्रेवल टू द डीप कैवर्न्स। ओके, ये कैसी जगह है, वेट करो। सो गाइस ये रहा डीप कैवर्न्स, ये डीप कैवर्न्स की एंट्री है, लेकिन मेरे को चेक करने दो, हमको जाने की ज़रूरत है। हमारा कॉम्बैक माइनिंग लेवल 5 हो गया, लेकिन आई थिंक हमको माइनिंग लेवल 7 चाहिए था, एक बार उससे जाके पूछ लें। ये रहा बाजार वाला भाई, बाजार भाइयों, हमको चाहिए एक्सेस टू द यूनिडा स्काई ब्लॉक लेवल 7। ठीक है गाइस, हमको चाहिए होगा हर चीज़ में लेवल 7, तो देख लो। अभी माइनिंग में थोड़ा सा लेवल और रहते हैं 7 करने के लिए, थोड़ी चीज़ें और करनी पड़ेगी, तो एक बार ही चलें फिर।
और गाइस हम आ चुके हैं डीप हेवंस में। इधर देख सकते हो गाइस पाउडर माइंस है ये सारी। इधर हमको थोड़ा सा इधर महंगा और भी सामान होता है तो इधर इधर वर्क करते हैं। ये हम लैपिस गन पाउडर माइंस में जा सकते हैं या तो फिर लैपिस क्वेली में जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम लैपिस वाली जगह में चल जाएँ क्योंकि लैपिस है अच्छी जगह। और ओए ओए इधर हो चुका है हमारे ऊपर अटैक। इससे पहले वो दूसरी हिट मारे इसको करो एक्विप। ओ सो गाइस मैं पैसा डिपॉजिट करना भूल गया था और मैं नियरली 1 मिलियन का नुकसान खुद का करा लिया है। फक 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 भाई मैं नहीं जा रहा नीचे होते ज़ॉम्बी। मैं इधर ही अपना लेवल अपग्रेड कर लूंगा। आई डोंट नीड टू गो देयर भाई। सो गाइस अभी हमारा लेवल हो चुका है माइनिंग में लेवल 7। जैसा कि आप इधर देख सकते हो हमारा माइनिंग में लेवल हो चुका है 7। इधर माइनिंग में लेवल 8 नहीं अभी तक कर पाए। कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं क्योंकि अभी हमको और भी चीज़ों में करना है लेवल अपना 7। और ये रहा उनमें से एक है फोर्जिंग। फोर्जिंग आई थिंक होता है कट ट्रीज जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने हैं और जिससे स्काई ब्लॉक हमको लेवल देगा। तो अभी पेड़ काटने चलते हैं हम। माइन क्या है फार्मिंग में लेवल 7 है, माइनिंग में लेवल 7 है, कमबैक में लेवल 7 कमबैक बोल दिया, फोर्जिंग में नहीं है लेवल 7। तो अभी पहले चलें और वो करें। सो गाइस अभी चलो सीधा लकड़ी वगैरह तोड़े भाई साहब के लिए। हेलो 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 टॉक टू द लंबर। हेलो लंबर भाई। ओए 10 लॉक्स लेने हैं भाई। ये भाई तो स्लोली स्लोली लगाए हम भी इसके साथ ही लग जाते हैं। ये देखो हमने 5 इसकी वुड जो इसने पहले से काट के रखे हम इसको ही बेच देते हैं गाइस। ये है मेरा 320 IQ यू नो। हेलो लंबर भाई ये लो। थैंक यू फॉर ओके। ओए होए 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 अनकॉमन नेक्स्ट। लेकिन हम तो अपनी अच्छी वाली एक्स लेके आए थे तेरी वाली को बेच देंगे यू नो। वी डोंट नीड योर फकिंग टटी। ओके ट्रैवल टू द पार्क बिहाइंड द वुड। ला 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 लिल्ला द पार्क। ये रास्ता रहा और इधर से भी उड़ के जाएं। ये रहा बर्च पार्क न्यू एरिया डिस्कवर्ड। तो हम आ चुके हैं इधर से। कलेक्ट द बर्च लॉक्स। ओके 64 हमको बर्च लॉक्स चाहिए तो इसको जल्दी से कलेक्ट करें। हमारा लेवल 2 भी हो चुका है गाइस लॉगर का। और गाइस बारिश भी आ गई। क्या टट्टी मौसम है ये बारिश का। मैं बारिश में बंदे पता नहीं भाई। बारिश सबसे बेकार मौसम है क्योंकि इतनी बारिश पड़ती है लोगों के घर ही डूब जाते हैं। सो दे बारिश मौसम आई फकिंग हेट इट कॉज इट फकिंग ऑलफुल। ओहो क्या इंग्लिश बोलता हूँ कसम से। मेरे को ग्रैमी देना। क्या क्या टट्टी जोक मारा। मेरे को ग्रैमी देना चाहिए क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती है ब्रो। ओके टॉल टू चार्ली। चार्ली से बात करते हैं गाइस। इधर हमने माइन वगैरह सारा कुछ कर लिया है। अभी चार्ली दादा ये होएंगे। हमने बड़ा कुछ कर लिया। यू आर वेल ऑन योर वे टू बिहाइंड अ मास्टर वुड। आई नो कलेक्ट द बर्लॉक्स। 100 कॉइंस भी दिए हैं। न्यू रीच फॉर भाई लेवल 5 करना पड़ेगा अभी फॉर्जिन का। पहले तो अपना लेवल 5 करें। क्या और अच्छी एक्स नहीं मिल सकती है। इससे तो स्लो स्लो काम होता है। वेट करो गाइज मैं ऑक्शन में जाके अच्छी सी पहले तो एक्स खरीदा हूँ। तो गाइज इधर हम मैंने सर्च कर लिया एक्स को। ये तो दे रहा है पता नहीं कुछ मिलियनों की। तो इसको करें शॉर्ट बाय द लीस्ट यू नो। 100 कॉइन्स वाली भी नहीं चाहिए समझ लो। जो अभी एंड सिन हो जाए जो अभी समझ लो हमको मिल जाए 5-3-4 मिनट में। कुछ ऐसा नहीं है। ये वाली सीधा खरीद लूँ। इसके ऊपर हम बेड लगा देते हैं कुछ 10,000 की। जिस 10,000 नहीं इसके ऊपर हम लगाते हैं 5,000 की जिससे कोई इसको टॉप ना कर पाए। तो डन मारो 5,000 की हमने बेड लगा दी है। सबमिट बेड कंफर्म बेड। और इसके ऊपर हमने 5,000 की बिड लगा दी है। और क्या इसको बिड हिस्ट्री। इसकी बिड हिस्ट्री है पहले तो लगाया है शिफ्ट ट्रिपर ने 150 कॉइन। फिर किसी ने 170। फिर एक किसी ने 199 कॉइन्स। फिर 229 कॉइन्स। फिर 406 कॉइन्स। अभी हमने लगा दिया इसके ऊपर 5,000 कॉइन्स जो आई थिंक इनके इन गरीब बच्चों के लिए मुश्किल होगा सिंस वी आर देयर रिचेस। तो इनके लिए मुश्किल होगा लेकिन तो भी
सारे दुआ करो कि हमारे ऊपर कोई और ज़्यादा महंगी बिड ना लगा दे हमसे बड़ी। चलो अभी इन ब्लॉक्स को तोड़ें। इसके ऊपर हमने इंस्टेंट एफिशिएंसी लगाया है, इसे एंड हियर इट इज। भाई गुस्तावो भैया कौन है? अभी गुस्ता कौन है? ये गुस्ता रे भाई। Is that Gustavo? It's there no loves. There is nothing like island reaching. I have traveled so many. Complete the woods speech. Okay. गुस्तावो भाई ये लो, तुम्हारे शो मेकर को तुम कभी भी वीक ना समझना। सो गाइस अभी हमारा लेवल 7 हो चुका है इसमें फॉर्जिंग में भी, तो अभी आई थिंक हमको जाना चाहिए वापस से, शायद अभी हम उसको क्या बाजार को एक्सेस कर पाए। सो गाइस अभी बाजार में आ चुके हैं, सो लेट्स ट्राई बाजार वाले भैया। अच्छा ये तो ये है यूनिटस। तो गाइस अभी भी हमारा लेवल नहीं हुआ क्या? ये अभी भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। शायद क्योंकि आई थिंक ये स्किल लेवल नहीं, ये स्काई ब्लॉक लेवलिंग होगा ये, तो इसका मतलब हमारा अभी लेवल 2 है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए चेक करें क्या क्या करना पड़ता है। ओके तो इसको अपग्रेड करने के लिए हमको स्किल्स तो जो इसका मतलब हम सही कर रहे थे, लेकिन उसके साथ हमको फेरी सोल वाले मिशन भी करने पड़ेंगे। टोटल 16,000 एक्सपी भी करनी है, जो कि हमने अभी तक आई थिंक 209 की है, लेकिन आई थिंक इसके आधे में हम पहुंच जाएंगे लेवल 7 तक। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि बाजार मेरे को वैसे चाहिए क्यों? बाजार वो जगह है जिधर सिर्फ मोटा सामान बिकता है, समझ लो जो सामान नॉर्मल हम 5 का बेच रहे हैं वो हम 10 का बेच पाएंगे, तो ये है बाजार। तो चलो गाइस आज का एपिसोड इधर ही एंड करते हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं और एपिसोड मेरे को देखने दो कितने घंटे का मैंने बना लिया है। तो एपिसोड को हो चुके हैं पूरे 1 घंटा 40 मिनट गाइस, 1 hour and fucking 40 minutes। इसको एडिट करने में पहले मेरी इतनी थी, अभी इतनी फट जाएगी। तो इसको इग्नोर मारते हुए हम चलते हैं, नॉर्मल एपिसोड आपको आता ही रहेगा। ये एपिसोड आ जाएगा मंडे की तरफ, मंडे को मेरा बर्थडे भी है तो विश कर देना, 17 जुलाई द लेजेंड हिमसेल्फ शोमेकर का बर्थडे है। सेक्सी हूँ मैं, आई नो। सो बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ तुमको जल्द न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय। लाइक करना भाई प्लीज, देख लो मैं सेक्सी हूँ।